नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। हमारे पिछले वीडियोस में हमने मेरे कलेक्शन के 10 रुपये के सिक्कों के बारे में जाना। उसके बाद के वीडियोस में हमने मेरे कलेक्शन के 5 रुपये के सिक्कों के बारे में जाना। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे मेरे कलेक्शन के 2 रुपये के सिक्कों के बारे में। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। स्वतंत्र भारत में अभी तक 30 तरह के 2 रुपए के सिक्कों को जारी किया गया है, जिनमें से मेरे पास अभी 19 यानी 19 तरह के सिक्के मौजूद हैं। 2 रुपए के सिक्के स्टेनलेस स्टील और कॉपर निकल के बने हुए थे, और इसमें एक अलग बात यह थी कि अब तक सिर्फ 2 रुपए के सिक्कों में ही हैंडल का गोलाकार शेप दिखाई देता है, जो कि 11 साइड्स जिसमें होते हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो 2 रुपए का सिक्का है, ये इसके 11 साइड्स हैं। ज़्यादातर 2 रुपए के सिक्के इसी शेप्स में इशू की गई थी। हमारा सबसे पहला सिक्का 2019 का सिक्का है, ये स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन कहलाता है। ये वेट में 4 ग्राम का है, 4.07 ग्राम्स, और डायमीटर में 23 mm का है, थिकनेस 1.4 mm। हमारा दूसरा सिक्का भी स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन है, ये 2011 से लेकर 2019 तक इशू की गई थी। ये भी स्टेनलेस स्टील का सिक्का है, वेट में ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 4.9 ग्राम्स का है, और डायमीटर 25 mm, जो फिलहाल 2019 में जारी किए सिक्के से थोड़ा सा ज़्यादा है, और थिकनेस लगभग उतना ही, 1.4 mm का है। हमारा तीसरा 2 रुपए का सिक्का मुद्रा इशू कहलाता है, ये साल 2007 से लेकर 2011 तक इशू की गई थी। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का 1 रुपए और 50 पैसे के कॉम्बिनेशन में भी आया था, जिसमें ये आप हाथ के रूप में मुद्राएं बनी हुई थी। इसका वेट 5.8 ग्राम्स है, डायमीटर 26.7 mm का है, और थिकनेस 1.4 mm। जो हमारा अगला सिक्का है, ये सिक्का 2005 से लेकर 2007 तक इशू की गई थी, और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लाइंस क्रॉस बनाया हुआ है, जबकि ये क्रॉस नहीं है, ये 4 मनुष्य को दर्शाता है, और इसी वजह से इस सिक्के का नाम यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता दिया गया था। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का 5.8 ग्राम्स का है, और डायमीटर 26.8 mm का है, थिकनेस 1.4 mm। हमारा अगला सिक्का RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2010 में इशू की गई थी। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का वेट में 5.8 ग्राम्स का है, और डायमीटर 26.8 mm का है, थिकनेस 1.4 mm। हमारा अगला सिक्का लुई ब्रेल के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2009 में इशू की गई थी। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का वेट में 5.8 ग्राम्स का है, डायमीटर 26.8 mm, थिकनेस 1.4 mm। लुई ब्रेल फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे, जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की थी। उनकी ये प्रणाली ब्रेल लिपि भी कहलाती है। हमारे अगले 3 सिक्के नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता को समर्पित था। ये तीनों सिक्के पिछले भाग में एक जैसे दिखते थे, पर ये साइज और वेट में अलग अलग थे। तीनों ही सिक्कों के पीछे में नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ था, और भारत का मानचित्र भी था। तीनों सिक्कों में से जो सबसे पुराना सिक्का है, वो 1982 यानी 1982 से लेकर 1990 यानी 1990 तक इशू की गई थी। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में सबसे ज़्यादा 7.7 ग्राम्स का था, डायमीटर 28 mm, और थिकनेस इसकी 1.6 mm की थी। इसके बाद जो सिक्का इशू किया गया था, वो 1992 से लेकर 2004 तक इशू किया गया था, 1992 से
2004 तक इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में 6 ग्राम्स, डायमीटर 26 mm और थिकनेस 1.71 mm की थी। इसका शेप हेंडेकागोनल था, यानी 11 साइड्स यानी एजेस थे। हमारा अगला राष्ट्रीय एकता पे जो सिक्का इशू हुआ था वो 1998 से 1999 तक इशू की गई थी, और ये भी कॉपर निकल का सिक्का था। वेट में 6.25 ग्राम्स, डायमीटर 25.8 mm और थिकनेस 1.3 mm। शेप ये हेंडेकागोनल यानी 11 साइड वाला शेप था। हमारा अगला सिक्का नवे एशियन गेम्स को समर्पित था, और ये 1982 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में 8.14 ग्राम्स का था, डायमीटर 28 mm और थिकनेस इसकी 1.8 mm की थी। ये उन कुछ 2 रुपये के सिक्कों में से एक है जिसका शेप राउंड था। हमारा अगला सिक्का छोटे परिवार को समर्पित था, और ये स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली के नाम से इस सिक्के को 1993 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में 5.7 ग्राम्स का था, डायमीटर इसकी 26 mm की थी और थिकनेस 1.3 mm का, और इसका भी शेप हेंडेकागोनल 11 साइड वाला शेप था। हमारा अगला सिक्का वर्ल्ड फूड डे पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को समर्पित था। ये सिक्का बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। ये 1993 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का सिक्का 5.7 ग्राम्स का था और इसकी डायमीटर 26 mm की थी, थिकनेस 1.4 mm की थी। ये सिक्का भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड डे को समर्पित था। ये वाटर फॉर लाइफ के नाम से जाना जाता था। ये सिक्का 1994 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में 5.96 ग्राम्स की थी और डायमीटर 25 यानी 25.6 mm, थिकनेस 1.3 mm का था, और इसका शेप हेंडेकागोनल यानी 11 साइड वाला था। ये सिक्का भारतीय कृषि के वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर को समर्पित था। ये सिक्का एग्री एक्सपो 1995 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में 6 ग्राम का था, डायमीटर 25.8 mm और थिकनेस 1.3 mm। ये शेप का हेंडेकागोनल यानी 11 साइड वाला सिक्का था। ये सिक्का श्री सुभाष चंद्र बोस के जन्म के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1996 से लेकर 1997 तक इशू की गई थी। श्री सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के सबसे प्रभावी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में 6.06 ग्राम्स का और डायमीटर 25.8 mm, थिकनेस इसकी 1.4 mm की थी। ये शेप में हेंडेकागोनल 11 साइडों वाला सिक्का था। ये सिक्का श्री अरबिंदो घोष को समर्पित था। ये कॉपर निकल का सिक्का 1998 में इशू किया गया था। वेट में 6 ग्राम, डायमीटर 26 mm और थिकनेस इसकी 1.3 mm की थी। ये सिक्का देशबंधु चित्तरंजन दास को समर्पित था। ये सिक्का 1998 में इशू किया गया था। कॉपर निकल का सिक्का था। वेट 5.78 ग्राम्स, डायमीटर 26.3 mm, थिकनेस 1.4 mm की थी, और ये भी हेंडेकागोनल यानी 11 साइडों वाला सिक्का था। ये सिक्का छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित था। ये कॉपर निकल का सिक्का 1999 यानी 1999 में इशू की गई थी। ये वेट में 6 ग्राम का था, डायमीटर 25.8 mm और थिकनेस 1.3 mm की थी। ये भी हेंडेकागोनल यानी 11 साइडों वाला सिक्का था।
हमारा आज का आखिरी सिक्का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली के अवसर यानी 50 साल पूरा होने के अवसर पे इशू की गई थी। ये साल 2000 में इशू किया गया था। ये सिक्का कॉपर निकल का बना हुआ था, वेट में 5.93 ग्राम्स, डायमीटर 26 mm 26 mm और थिकनेस 1.4 mm की थी। ये भी हेंडेकागोनल यानी 11 साइडों वाला सिक्का था। तो ये है वो 11 तरह के सिक्के जो अभी मेरे पास मेरे कलेक्शन में नहीं हैं। आशा है बहुत जल्द ही मैं इनको भी अपने कलेक्शन में शामिल कर लूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए, आपका समय प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।